बिहार के गया में एक ऐसा मंदिर है जहां मान्यता है कि इस मंदिर में 16 सोमवार तक पूजन करने से मांगलिक दोष, लग्न दोष, शादियों में आ रही बाधाएं दूर होती है। गया के विष्णुपद क्षेत्र स्थित कृष्ण द्वारका के नजदीक श्री लग्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा लग्नेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। जिनकी शादियां नहीं लग पाती उनकी मनोकामना यहां पूरी हो जाती है। मान्यता है कि श्री लग्नेश्वर महादेव मंदिर में नियम अनुसार पूजन से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके लिए यहां 16 सोमवार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करने की विधि है। विधि पूर्वक पूजन से शादी लग्न में जो अड़चने आती है वो खत्म हो जाती है। ये कृष्ण द्वारिका मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये लखनौती महादेव के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण की ऊपर में भी मंदिर है। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं को, लड़की को और लड़कियों को, जिस बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं होती है यहाँ पर, लगन में दिक्कत होती है, जिसको लोग कहते हैं मांगली दोष है, ये सब है, जो भी दोष है उसके निवारण के लिए यहाँ पे 16 सोमवार तक ही लोग, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, पूजा करते हैं। 16 सोमवार तक पूजा करते करते उन लोग की शादी ब्याह की जो भी मन ग्रह का दोष होता है उसको निवारण हेतु यहाँ पे पूजा करके उनकी मनकामना को पूर्ण हो जाते हैं। और सभी बच्चे और लड़कियों को पूजा करवा कर यहाँ पे लगन के हेतु में जो भी ग्रह दोष होता है उनके निवारण के लिए पूजा होता है। और 16 सोमवार पूजा करने के बाद वो लोग को शादी ब्याह की मनकामना पूर्ण होती है। मान्यता यही है कि सुनने में आया है कि 16 सोमवार करते करते शादी हो जाता है तो भोले भगवान के पास आए। इस मंदिर में सोमवार के दिन दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और काफी भीड़ हो रहती है। मंदिर में पूजन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कतार में अधिकतर वैसे युवक युवतियां होते हैं जिनकी शादी लगने में परेशानी हो रही होती है। इस मंदिर में लग्नेश्वर महादेव को युवक रोड़ी लगाकर पूजन करते हैं तो युवतियां सिंदूर चढ़ा इस पूजन विधि को पूरा करते हैं। गया से न्यूज 18 के लिए कुंदन कुमार।